के लोग आ ही जाते हैं, एक दो स्टेट के हाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से हम बहुत विजिट किए हैं, लेकिन यहाँ सच्चाई है जो रियलिटी फोकस नहीं है। अच्छा सर, इसका फर्श का क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा ही फर्श रुखड़ा होना चाहिए या नहीं? रुखड़ा होना चाहिए, रुखड़ा ये वाली फर्श। इस पर मैट भी टिकेगा, इस पर मैट भी टिकेगा, टिकेगा घसकेगा नहीं। फर्श पर मैट डालना ही पड़ेगा क्या? मैट तो डालना होगा, अगर हैवी मिलकर में जाते हैं जी जी। अगर मान लीजिए कि 16 लीटर 17 लीटर 18 लीटर 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर पर जाते हैं तो मैट से आपका थान खूर ठेहुना तीनों बचेगा, थान खूर ठेहुना हाँ तीनों बचेगा, आराम महसूस होगा ना सर। एक मतलब बयाने के कुछ दिन पहले मैट लगाना चाहिए या मतलब नहीं लगा दीजिए पहले से ही? पहले से लगा दीजिए। अच्छा पहले से लगा, पहले से लगा दीजिए। तो एक खास अनुभव जो आप दे रहे हैं ना, बहुत काम का चीज़ है। देखिए हर एक चीज़ पर आपने बारीकी से सर बता दिया। सर ये बताइए कि कौन सा मिनरल देगा वो, कोई या कैल्शियम मिनरल कोई अच्छा कंपनी के दें, कोई कंपनी के तो नाम ना लेंगे ही के चलते कि हाँ बहुत ये मार लोग आते हैं तो हम किसको कहें किसको ना कहें, बात समझ जाइए हमारे साथ मजबूरी है। तो कैल्शियम बताइए सर। कैल्शियम भी हम नहीं बता सकते, दवा अच्छा, उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए सर, सबसे बड़ा जो समस्या है अभी हम हाल अभी हम आरबीटेच मल्टी विटामिन दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। आरबीटेच हाँ अच्छा रिजल्ट है। सर ये बताइए फिर हमें कि अगर गायों को बांझपन से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? बांझपन से बचाने के लिए सबसे पहले तो डिबर्मिंग करना, नमक नमक और मिनरल, ये तीन चीज हो जाएगा तो हमको तो ना लगता है कि रिपीट ब्रीडिंग होगा। नहीं होगा, नहीं होगा हमको, अपना अनुभव जी, अपना अनुभव सर। अच्छा ऐसा भी कोई प्रोसेस आया है जिसके द्वारा मतलब बिना गाय बच्चा दिए भी दूध निकल सकता है? बिना बच्चा दिए हुए दूध तो इसी से हम निकाल दिए। कौन सी गाय से? इस गाय से अभी, हाँ अभी हम इसको है, आपका पहचान है। देखिए तो इस गाय कितना लीटर दूध दिया है सर? ये गाय 16 लीटर तक दूध दी है, 15-16 यही कर, बिना बच्चा दिए, बिना बच्चा दिए हुए 15-16 लीटर दूध। हाँ 15-16 लीटर, तो ये कमाल आपने किया। हाँ तो फिर अरवल वासी या भारत वासी सुन लो भाई, अगर आपकी गाय बच्चा नहीं दे सकती, अगर कोई कारण से उसका गर्भाशय, हाँ कोई कोई जानवर अस्थायी बांझ हो जाती, कुछ ऐसा रोग हो जाता है तो कसाई के पास न जाके हम दूध ही इसको उतार दे रखे अपना, तो इस तरह से मतलब वो हैंडल करके हम लोग फायदा उठा सकते हैं। हाँ उठा सकते हैं, बिना बच्चा दिए ही दूध देंगे। ये देखिए सर का बहुत बड़ा कमाल है और इसका लोग फायदा उठाइए, कभी टच करना है इनसे सर से। और ये देखिए कितना सॉलिड दिख रहा है आपका फार्म सर यहाँ से, और ये सब आपका कमाल है, मेहनत है, नया फार्म आपने बनाया और इनका जो खाने का बनाया है वो बड़ा भी बहुत शानदार दिख रहा है। देखिए ओपन ओपन खुरली या खाने का जो नाद बोलते हैं ओपन है पूरा सिस्टम, यहाँ वाटर सिस्टम सर ने जो बताया था, ये देखिए वाटर सिस्टम में पाइप लगा है लेकिन वो लगा नहीं है सेटल। ये गाय के अंदर सर ये बताइए, आपने तो लगता है कि ऊपर से ये लेके फार्मिंग के सेक्टर में नीचे तक के सारी जानकारियाँ हासिल कर ली। देखिए हमको लगन है जी, कोई चीज़ हम अगर किसी को देखते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि सही है कि कई परसेंट जी, और लग जाता है कि नहीं सही चीज़ है, कोई चीज़ में खेती हो बगीचा हो या पशुपालन हो हम वो करते हैं, हम छोटे रूप में करेंगे अपने अथि से करके देख लेते हैं कि नहीं कहाँ तक हम जा सकते हैं, करते हैं। अभी पपीता लगाए हैं तो 5 कट्ठा में लगाए हैं, अच्छा होगा और बढ़ाएंगे तो हम पपीता आया हुआ सर? हाँ आ गया, लग गया है। तो का आपका अभी तो प्रोडक्शन नहीं हुआ? ना ना अभी तो छोटा छोटा है ना, अभी तो 20 दिन 20 दिन अभी तो लगभग किया है जी। गायों को बच्चा देते हैं, ये था जानकारी और सर कुछ तो उसमें हम क्या करेंगे अभी है और जिसके वजह से जा सकते हैं वो निकाल बे करेगा ना बच्चिया। मेरे दोस्त देख लीजिए कितना एडवांस, अभी तो 2 घंटा हमारा गाय दूध नहीं मिला है, शुरुआत किया पूरे फीडिंग में आप देख सकते हैं कितना मस्त दिख रहा है, एक एक खाना खा रही है। और सर एक नया चेंज आपने किया है सर, ये बताइए कि आपका तो अभी जो कंजस्टेड जगह नहीं है आज के डेट में, इतनी गाय भी इतने आराम से हैंडल हो रहा है, तो इसके पीछे क्या मतलब प्लान हुआ? पहले के मुकाबले फार्मिंग जो है अभी आसान हो रहा है या नहीं? अब आसान हो रहा है ना, पहले हम जैसे थनेला से परेशान थे, बहुत कुछ रोग से परेशान थे, अब हमारे पास 1% भी सब रोग नहीं है। 1% नहीं, कोई जानवर के तो अभी ले सुई नहीं पड़ा है जी। अच्छा ये बताइए सर, आप दोनों सामने हैं कि मिलजुल के आपने जो ये अनुभव सब चीज काफी पहले से हमारा टच भी रहा सर, एक खुद जो आपने ट्रीटमेंट का जो पहल शुरू किया है
कि फार्मर जो है खुद अपना ट्रीटमेंट करे, इसमें क्या बचत होने का संभावना है या गाय खुद ट्रीटमेंट करने से बिगड़ सकती है? देखिए अब आपका अनुभव कितना है, हम इसमें बहुत लंबे समय से हैं, 2007 से हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स से के बुलाए हैं, शिविर लगाए हैं, बहुत कुछ अध्ययन किए हैं जी। सारा डॉक्टर से बात करते हैं, जैसे उदय सर अभी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। उनसे बहुत बातचीत होते रहता है, वो भी बताते चलते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, ई फीडिंग करो ऊ फीडिंग करो, बहुत कुछ सुधार कि हमको किए हैं जी। तो ये सब से कुछ नॉलेज बढ़े, मतलब हाँ बहुत बढ़ा है। तो ये था सर के साथ खास बातचीत। अब एक नेपियर पे हम वीडियो छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि नेपियर जब भी आए हैं तो यहाँ नेपियर से ज़रूर टच हुए हैं, और हमारे व्यूवर्स भी बोला है कि हम सर से मिल के आए हैं, कमेंट किया है, दो सब कमेंट सर को हम दिखाएंगे। बहुत खुशी महसूस हुआ कि कोई बंदा हमारे वीडियो के माध्यम से गया है, मिला है, और इनसे अनुभव दोनों से प्राप्त किए हैं। ये हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए और सर के लिए बहुत फायदेमंद है कि इनका वर्चस्व जो है, इनका लोगों का संपर्क है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों और आपका स्वागत है आर्या फार्म पे। और सर आज हम आपसे पर्सनली मिले हैं, लेकिन हमारे स्टाफ के अभाव के वजह से हम आपसे डायरेक्ट रूप से बात नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं सर, आपका अनुभव तो पहुँच गया है ना लोगों। हम ये चाहते हैं कि आपने जो इतनी मेहनत करके, ये देखिए देख सकते हैं भाई, ये लाइन से जो रिफर है ये इनका कमाल है। इन्होंने सीमेंट से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, फीडिंग से लेकर, हम जब सीमेंट महंगा लाए ना, 1500 रुपया जीक का मूल है जी जी, एक सीमेंट का जी, तो बहुत लोग कहा कि बाप ये सब पैसा उड़ा रहा है, लोग पैसा उड़ा रहा है। हाँ, लेकिन फर्स्ट बार में हमारा जैसे हम बहुत वीडियो देखते हैं जी जी, कोई को वीडियो में, ये बिहार के खास करके बात कर रहे हैं, कि कोई की वीडियो हम देखे हैं तो ये ने देखे कि हाँ पांच गाय को सीमेंट, पांच बाछी चाहे सात बाछी को सीमेंट जीक का पड़ा।